बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सब पर हमें अपने ज़मान में रखे। जी वीवर्स, आज हम जद्दा में हैं और हम अम्मा खा के मकाम आखरत पे जा रहे हैं, उनके जहाँ पे उन्हें दफन किया गया है। वीवर्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं हम अम्मा हवा के तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बा मक्का मकाम पे जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, टैक्सियाँ रुकती हैं, जद्दा में पा मक्का मकाम है जहाँ से मक्का की तरफ टैक्सियाँ जाती, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मकबरा अम्मा हवा का। हम घूम के, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इधर से हम घूम के तो इस तरफ आए हैं। तो देखते हैं, चलते हैं कि अब अम्मा हवा का मकबरा किस तरफ है और हम आपको दिखाते हैं। ये साइडें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये भी कोई बिल्डिंग्स ही हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी हैं। तो ये लग रहा है कि ये बड़ी सारी जो बिल्डिंग है, गेट बंद है इसका, तो इधर लिखा हुआ है दुआ ज़ियारतुल कुबूर। अच्छा, पूछ रहे हैं अम्मा हवा के मकबरे पे। तो कब खुलता है? ये बाहर आदमी खड़े हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं, इनको भी नहीं पता। अजान के बाद तो जनाब, अजान के बाद ये गेट खुलेगा। चारों तरफ से घूम के हम इस तरफ आए तो हैं, ये गेट नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पे एंट्री हो, वरना इनका पता कोई नहीं होता, ये बंद कर देते हैं, जाने नहीं देते। है तो यही बिल्डिंग अम्मा हवा के मकबरे की, तो इसको उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया होगा। सुभान अल्लाह, बाबा इंसान दुआए ज़ियारतुल कुबूर खुला है। ये देखो बेटा, एंट्री है। अच्छा नहीं, ये तो वीडियो बना रहे, तस्वीर तो नहीं बना रहे। गेट बंद कर देगा। चल बस ठीक, इधर से हम तस्वीर नहीं बना रहे, बस वैसे ही देख रहे हैं कि कब्रिस्तान का, अम्मा हवा का ये कब्रिस्तान है। हम यहाँ तक पहुँच गए कि तस्वीर बनाना उन्होंने ये बंद किया हुआ है। आप लोगों की बना लेते हैं तस्वीर। चलें जी, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये है जी तारीख, दुआए ज़ियारतुल कुबूर, यहाँ पे इन्होंने जनाब वो किए में, ये बिल्डिंग है मकबरा हवा, ये जनाब मकबरा हवा का ये बोर्ड लगा हुआ है, अंदर जाना बंद है, मना है। तो जनाब ये बिल्डिंग है हज़रत अम्मा हवा के कब्रिस्तान की, ये काफ़ी बिल्डिंग है, घूम के उधर से आना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, कोई एक कब्र उन्होंने नहीं रखी, तो उन्होंने कहा है कि ये हम जो है ना वो किसी एक निशान नहीं रखा और फोटोग्राफी को मना की है। हम घूम के आए हैं, चलें आप लोगों को इस चीज़ की ज़ियारत करवा दी कि हमारी अम्मा, हमारे ग्रैंड मदर यहाँ इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जी वीवर्स, मेरे अकब पे आप चार दीवारी पीली देख रहे हैं, इस जगह पे अम्मा हवा का मदफन है। बाहर से हमने कैप्चर कर लिया है, दुआ भी पढ़ ली है। तो अब हम चलते हैं किसास वाली जगह पे जहाँ पे इंसाफ होता है हर जुमे, और जान के बदले जान ली जाती है, हाथ के बदले हाथ, कान के बदले कान, और गर्दन के बदले गर्दन। उस जगह पे हम चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
व्यूअर्स, ये वो मस्जिद है जहाँ पे जुमे की जुमे सजाएं दी जाती हैं कसास की। तो ये उसका आउटलुक है, ये जद्दा में है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन जब इस मस्जिद के बाद सज़ा का अमल होता है वो बहुत मुश्किल है। इसमें ऐसा है कि तो इसके अंदर हम चलते हैं, ये साइड्स पर भी कुछ बना हुआ है, वह हम आपको दिखाएंगे वो क्या है। ये इसकी बैक साइड पे आए हैं और व्यू बहुत कमाल आ रहा है, वाह वाह मज़ा आ गया। सजा देने वाली भी जगह का भी व्यू देखें, क्या कमाल का व्यू, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और एक चीज़ है कि जद्दा भी ग्रीन कर रहे हैं, मक्का भी ग्रीन कर रहे हैं, मदीना भी ग्रीन कर रहे हैं। वहाँ को वॉशरूम जाना था और ये पीछे मैंने सारा व्यू देखा है, वो क्या साफ है, बिल्कुल क्लीन है, इतना कमाल व्यू आ रहा है। इन्होंने रमज़ान बाजार लगाया है, ये अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, मस्जिद भी अभी बंद की है इन्होंने। और जो जहाँ पे सजा देते थे कसास की, ये पार्किंग वाली जगह यहीं पर दिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने ये पार्किंग वाली जगह बना दी। और वो नई जो जगह है ना सजा देने वाली, वो उन्होंने कहीं और बना दी, वो बहुत दूर है, लेकिन पहले यहीं पार्किंग के एरिया में ही सजा दी जाती थी। तो रमज़ान बाजार बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी बंद किया हुआ, मस्जिद भी बंद है। तो फिर आज का व्लॉग फिर यहीं करते हैं, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।